I am going to tell about phylum Platyhelminthe or 11th bioclass. संघ Platyhelminthe नाम क्यों पड़ा? ग्रीक भाषा में दो शब्दों से मिलकर Platyhelminthe बनाया है। एक Platy means होता है, Plat means चपटा, अर्थात शरीर कैसी होती है? चपटी। दूसरा जो वर्ड है Helminth, Helminth means होता है worms, worms means होता है क्रीम या कीड़े, अपनी भाषा में लोग कहते हैं, अर्थात ऐसे कृमि जिनकी शरीर कैसी होती है? चपटी। तो इस संघ में जो जंतु आते हैं, कृमि आते हैं, उनकी शरीर कैसी होती है? चपटी होती है। और इस संघ की स्थापना गिगेवारनाथ वैज्ञानिक ने 1858 में की। समान के लक्षण क्या है इस संघ के जंतुओं के? शरीर जो है बॉडी फ्लैट, शरीर चपटी होती है, रिबन लाइक जैसे फीता होता है, ठीक उस फीता दोनों साइड में चिपका होता है अधर और पृष्ठतल पर, ठीक उसी प्रकार जो है इस संघ के जंतुओं की शरीर कैसी होती है? चपटी होती है, फीते की तरह। दूसरा इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, शरीर में दुई पार्श्वीय सममित के नाम से जाना जाता है, जैसे मनुष्य है यहाँ से ऊपर से नीचे तक जो है यदि एक काट लीजिए तो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है इनमें भी ये सिमेट्री पाई जाती है, दुई पार्श्वीय सममित बाइलेटरल सिमेट्री में पाई जाती है। ज्यादातर इस संघ के जो जंतु होते हैं पैरासिटिक नेचर के होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरे जंतुओं के शरीर में से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वहीं पर वास करते हैं। और इनमें एक सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं, एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स, फ्लेम मींस ज्वाला कोशिकाएं, ज्वाला की लव जो है प्रकृति रहते हैं, ठीक उसी प्रकार इनमें जो शिखर कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार में फ्लैटरी का कार्य होता है, किस तरह क्रिया होती है, इसलिए ज्वाला के नाम से ही इनका नाम शिखा कोशिकाएं या फ्लैम से ज्वाला कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। विशेष प्रकार का आगे अक्सर पूछा भी जाता है कंपटीशन में कि ज्वाला कोशिकाएं किन संघ के जंतु में पाई जाती है, तो Platyhelminthe में। बाइसेक्सुअल नेचर होता है, द्विलिंगी होते हैं जंतु जो है इसमें, अर्थात दोनों प्रकार के जन्म अंग एक ही शरीर में पाए जाते हैं, तो ऐसे जंतु द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होते हैं। और यही से इसी संघ से जंतुओं में सिर का विभेदीकरण होता है, इसके पहले वाले जो हम लोग प्रोटोजोआ से लेकर के जो है सिलेंट्रेटा तक पढ़े हैं तो उनमें सिर का विभेदीकरण नहीं होता, तो सिर का विभेदीकरण यहीं से स्टार्ट होता है, अर्थात सिफिलाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम दिस फाइलम। टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का संगठन जो होता है वह ऊतकी अर्थात ऊतकों का निर्माण इनमें होता है, तो संगठन ऊतकी स्तर का इसमें पाया जाता है। इनके शरीर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, त्रिस्तरीय शरीर संरचना, एपिडर्मिस एक्टोडर्मिस इसोडर्म और एंडोडर्मिस कहते हैं, तो इस प्रकार तीन आंतरिक शरीर इसमें पाई जाती है। कुछ जंतुओं के यहाँ उदाहरण है जैसे प्लेनेरिया, फैसियोला, फीता, क्रीम, यहाँ पर फैसियोला का चित्र भी बनाया गया है ऊपर की तरफ, यहाँ पर देख रहे हैं मुख चूषक या इसे अग्र चूषक के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर नीचे की तरफ इससे थोड़ा हटके जनन छिद्र है, जनाकर पोर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा यहाँ पर पश चूषक पाया जाता है, और नीचे की तरफ जो है एक छिद्र है इसे उत्सर्जी स्पिट्री पोर के नाम से जाना जाता है। दैट्स ऑल।